हेलो एवरीवन। तो आज मैं बता रही हूँ आपको कि आप मैथ की कॉपी यूकेजी की कैसे सेट कर सकते हैं घर पर और उन्हें आसानी से रिवीजन करा सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेज जो चल रहे हैं उससे तो पढ़ाई हो ही रही है, लेकिन आप भी आराम से आसानी से कॉपी सेट करके इस तरह से बच्चों को दे सकते हैं। ओके, तो फिर देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले क्या है, बच्चों को ऐसे दिए जाते हैं बिफोर आफ्टर बिटवीन समझाने के लिए कि जैसे ये बॉल है, ये अम्ब्रेला है और ये फिश है। ओके, तो फिर बॉल क्या है, अम्ब्रेला के बिफोर में क्या है, तो बॉल। बच्चों को इस तरह से समझाएंगे हम बिफोर, बिटवीन और आफ्टर, और अम्ब्रेला के आफ्टर क्या है तो फिश। ओके, और बिटवीन क्या है, बॉल और फिश के बिटवीन में कौन सी चीज़ है तो अम्ब्रेला। ओके, तो इस तरह से बच्चों को समझाना है, या हो सके तो आप ये बिफोर लिखने के लिए भी दे सकते हैं उन्हें। अम्ब्रेला कहाँ है, बिटवीन है तो बिटवीन लिखेंगे बच्चे, फिश कहाँ है आफ्टर में तो आफ्टर लिखेंगे बच्चे। देख ही देख के लिखने के लिए दें। ओके, स्पेलिंग देख देख कर ही लिखने के लिए दें, जिससे उन्हें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत ना पड़े, आराम से करें। इसी तरह फ्लावर, ये लोटस है, ये लीफ है, तो आप इसी तरह बताएं इसको भी। ओके, इस तरह से आप दे सकते हैं बच्चों को। फिर क्या है, फिर हम नंबर्स में उन्हें समझाएंगे, जैसे टू है, थ्री है, फोर है, तो टू है बिफोर, थ्री के बिफोर में क्या है, टू है, थ्री के आफ्टर में फोर है, इस तरह से। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आफ्टर लिखने के लिए देंगे। ओके, एक मैंने क्या किया, ये आफ्टर लिखने के लिए दे दिया, सिक्स के बाद सेवन, सिक्स के आफ्टर में सेवन, एलेवन, ट्वेल्व, इस तरह से। फिर राइट आफ बिफोर, यहाँ बिफोर भी दे दिया है और इधर आफ्टर भी दे दिया है। ओके, तो नाइन के बिफोर में एट, नाइन के आफ्टर में टेन, इस तरह से। तो बिफोर हम बच्चों को कैसे समझा सकते हैं और आफ्टर बच्चों को कैसे समझाते हैं, उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो डाला हुआ है। ओके, उसके अच्छे रिस्पॉन्स भी आया है, तो आप उस वीडियो को जरूर चेक करिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी या फिर आई बटन में भी मैं डाल दूंगी। ओके, फिर नेक्स्ट आप क्या है, नेक्स्ट एडिशन है, तो एडिशन में इस तरह से बच्चों को देंगे। फिर हो सके तो आप कहिए उन्हें लाइन खींचने के लिए। ओके, जैसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि जोड़ना कैसे है। जैसे दो है तो वन टू, फिर दो है तो वन टू, तो वन टू थ्री फोर, तो फोर, इस तरह से बच्चों को आप देंगे। ये इस तरह से मैंने दिया है। ओके, ये मैं अपने बच्चों को दूंगी करने के लिए, ठीक है। फिर इस तरह से एडिशन, फिर इसके बाद इस तरह से देंगे। यहाँ मैंने रफ का स्पेस छोड़ा हुआ है, जैसे फोर है तो फोर लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर टू है तो टू लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर लिखेंगे, इस तरह से आप बच्चों को दे दीजिएगा। ओके, ये हो गया एडिशन। इसी तरह फिर हम क्या करेंगे, इसी तरह से मैंने फिर सब्सट्रैक्शन दिया है। इसमें क्या है, चेंज करके हम देते रहेंगे बच्चों को इस तरह से। इसमें भी वही है, वन टू है तो टू कट करके फिर वन लिखना है। ओके, सब्सट्रैक्ट करना है इस तरह से। और फिर अब देखिए, अब मैंने चेंज कर दिया है, अब मैंने क्या किया है कि इसमें मैचिंग दे दिया है। स्पेलिंग है तो थ्री की स्पेलिंग मैच करेंगे, ट्वेल्व है तो ट्वेल्व की स्पेलिंग मैच होगी, इस तरह से फिर मैंने मैचिंग दे दिया है। अब मैंने क्या किया, टेबल ऑफ टू। ओके, हाँ, टेबल ऑफ टू है तो टू का टेबल दो बार लिखेंगे। एक्चुअली हमें फाइव तक तो बच्चों को टेबल याद कराना चाहिए यूकेजी में, लेकिन पहले हम टू और थ्री ही उन्हें देंगे। ओके, तो इस तरह से बच्चे टू का टेबल लिखेंगे। ओके, ये हम कॉपी में रखेंगे इस टेबल को। फिर है पुट द साइन, इसमें कैपिटल, स्मॉल और इक्वल का साइन है, तो हम बच्चों को ऐसे समझा सकते हैं। इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे भी वॉच कर सकते हैं, इसे भी मैं डाल दूंगी। ये देखिए, कैपिटल मुंह है, जहाँ बड़ा सा मुंह है तो वो बड़े नंबर की ओर जाएगा, और छोटा वाला जो मुंह है वो छोटे नंबर की ओर जाएगा। तो इस तरह से आप बच्चों को बोलेंगे कि जो बड़ा वाला मुंह है वो जो बड़ा नंबर है उसकी तरफ रखने के लिए है, तो ऑलरेडी छोटा मुंह छोटे वाले नंबर की तरफ हो जाएगा। तो इस तरह से आप बच्चों को दीजिएगा ये वाला, और इक्वल है तो इक्वल रहेगा ही, इस तरह से बच्चे इसको लिखेंगे। फिर मैंने दिया है, फिर टेबल ऑफ थ्री दिया है, थ्री का टेबल मैंने दिया है दो बार। ओके, ये करना है बच्चों को, टू का दे दिया था, थ्री का दिया है। अब है राइट काउंटिंग 101, बच्चे ने मेरे 1 to 100 लिख लेता है वो आराम से, इसीलिए मैंने 101 से 150 तक दिया है। आप अपने हिसाब से अगर बच्चे को जो नहीं आता वो दे, ओके, या फिर और आप स्टेप एक आगे बढ़ा सकते हैं, पहले 1 to 100, फिर 100, 1 to 200, इस तरह से दे। मैंने अपने बच्चे को दिया 101 से 150 तक, ठीक है, ये मैंने दिया है। फिर है राइट 50 to 1, 50 to 1, इसमें क्या करेंगे, हम टेंस और वंस बच्चों को समझाएंगे साथ ही साथ।
इससे क्या हो जाएगा, दोनों बातें हो जाएंगी, एक तो काउंटिंग भी कर लेंगे, बैकवर्ड काउंटिंग भी कर लेंगे और वंस और टेंस भी समझ जाएंगे। तो 5050 है तो 4949, इस तरह से बच्चों को 50:1 समझाना है। और अगर बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि बैकवर्ड काउंटिंग कैसे करें, क्योंकि वो जनरली 10, 9, 8, 7 ये तो कर लेते हैं, पर इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है उन्हें, तो आप ये समझा सकते हैं उन्हें कि जीरो के बिफोर में 9 आएगा और जो फिर जब 0 आएगा तो 9 तो हो ही जाएगा और पहले वाला जो नंबर है उसके बिफोर में हम लिख देंगे। इस तरह से मैंने अपने बच्चों को समझाया तो वो समझ गया आराम से। तो 0 के पहले 9 लिख देता है वो, और 5 है तो 5 के पहले 4, अब बाकी तो फिर स्टेप आराम से कर लेंगे बच्चे, क्योंकि 4, 8, 48, 4, 7, 47 वो कर लेंगे। ओके, ये वाले में थोड़ा सा दिक्कत होती है उन्हें। ओके, तो इस तरह से आप बच्चों को समझा सकते हैं। फिर दे सकते हैं आप नंबर नेम, नंबर नेम में जो भी नंबर से उसके स्पेलिंग उन्हें लिखने होंगे, तो अगर आपके बच्चे को लग रहा है कि वो नहीं कर पाता है तो आप उसी नंबर को ज़्यादातर लिखने के लिए दें, पहले तो इजी दे दे जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़े, क्योंकि हाँ उससे लगेगा कि हाँ मैं कर पा रहा हूँ, और उसके बाद फिर उसे हार्ड दे जो उसे नहीं आता है वो दे, इससे दोनों मैच करके आप दें नंबर्स नेम। ओके, तो मैंने बच्चे को 103-125 इस तरह से दोनों मिला जुला के दिया है जिससे वो कुछ करे, अगर कुछ गड़बड़ होता है तो मैं उसे समझा पाऊँ। तो इस तरह से आप बच्चों को नंबर नेम लिख करके दें। आप स्पेलिंग दे देंगे और बच्चे नंबर्स में लिखेंगे। तो इस तरह से मैंने दे दिया है बच्चों को सेट तैयार करके। ओके, तो ये थी आपको मैथ की, इस तरह से आप बच्चों को मैथ में कॉपी सेट करके दे सकते हैं, और बच्चे आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा डेली डेली क्या लिखना, एक ही बार में आप तैयार कर ले, इससे आपको भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हर दिन। ओके ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो यही होता है एंड आई होप मदर्स आप लोग को हेल्प मिलेगी। इस तरह से आप कॉपी सेट कर सकते हैं और ये टीचर्स के लिए भी है, तो इस तरह से आप कॉपी सेट करके बच्चों को दें और हेल्प करें उनकी पढ़ाई में। ओके, और उससे इनको भी आराम होगा और आपको भी आराम होगा, आप भी टेस्ट ले पाएंगे अच्छे से। और जो भी वीडियो आपको चेक करना हो तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर मैंने LKG UKG 1-2 क्लास 6 सभी से रिलेटेड मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। ओके ओके फिर थैंक यू, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक ज़रूर करें। ओके फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।